इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। हिंदी में इम्यूनिटी को हम कहते हैं प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा तंत्र, है ना। इम्यून सिस्टम को कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी को कहते हैं प्रतिरक्षा। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम अगर अपने ही शरीर की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो आप पाओगे कि हमारे बॉडी के कांटेक्ट में हमेशा कोई ना कोई पैथोजेंस है, माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोन्स है, हमेशा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, आपके फेस पर हमेशा, चूंकि जब एयरबॉर्न में माइक्रोब्स है तो आपके बॉडी पर भी है। आपके हाथ के ऊपर बैक्टीरिया हो सकते हैं, आपके हेयर में हो सकते हैं, आपके कपड़े पे हो सकते हैं, आपके फेस के ऊपर हो सकते हैं, आपके बॉडी के अंदर हो सकते हैं, है ना। एक्चुअली हम माइक्रोब से दूर रह ही नहीं सकते, वो हमारे कांटेक्ट में आएंगे ही आएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन माइक्रोब्स जब हमारे बॉडी के कॉन्टैक्ट में हैं, फिर भी हम बीमार नहीं हैं, फिर भी हम डिजीज फ्री हैं, हमारे बॉडी में डिजीज नहीं है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है कि हमारे बॉडी में माइक्रोब्स को रहने के बाद भी हमें बीमार नहीं होने दे रहा है, हमें बचा रहा है ना। क्योंकि माइक्रोब्स जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, हमारे जो आसपास हैं, वो तो हम जैसे ऑर्गेनिज्म को ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं। क्यों? ताकि वहाँ से उसको फूड मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, और वो इजिली मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। क्योंकि नेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, उसका दो ही मेन काम है, एक फीडिंग और दूसरा ब्रीडिंग, यानी कि उसे फूड चाहिए और उसके अलावा उसे प्रजनन करना है, बस इतना ही काम है। समझ में आ रहा है? नेचुरली जो फंक्शन है वो यही है। इसी वजह से डिफरेंट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शंस होते हैं उसके भी, ये नेचुरल बात है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का दो ही क्राइटेरिया है, दो ही फंक्शन है अर्थ पर, एक फीडिंग और दूसरा ब्रीडिंग, है ना। तो माइक्रोब्स भी क्या चाहते हैं? हमें एक ऐसा जगह मिले, एक ऐसा होस्ट मिले जहाँ पर पहुँचकर हम अपनी संख्या को बढ़ाएं, मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही माइक्रोब्स के कांटेक्ट में हैं, और ऑर्गेनिज्म और एनिमल तो और भी ज़्यादा माइक्रोब्स के कांटेक्ट में है। जैसे जो वाइल्ड एनिमल है, ऐसा नहीं है कि उसके बॉडी में माइक्रोब्स नहीं है, बहुत सारा माइक्रोब्स है उनके बॉडी में, एनी टाइम हमेशा है, फिर भी बीमार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम उस माइक्रोब से प्रोटेक्ट करता है। तो कुछ माइक्रोब्स रहते भी हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, कुछ डिस्ट्रॉयड भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं, है ना। तो अब माइक्रोब से बहुत दूर रहना ये भी बहुत बड़ा हार्मफुल चीज़ है। जैसे आप देखेंगे कि जो बच्चा स्लम एरिया में रहता है या विलेज एरिया में रहता है, बहुत ज़्यादा डेवलप फैमिली नहीं है उसका, अब देखोगे कि वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। लेकिन एक वही जो वेल प्रोटेक्टेड है, एकदम एंटीबैक्टीरियल हर जगह पे लगा हुआ है, कहीं किसी माइक्रोब से कांटेक्ट में नहीं आ रहा है बच्चा, वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। विशेष करके जितना हाई फाई एरिया में रहता है लोग, वहाँ पे बीमार होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा है। कारण क्या है? वो कभी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आया नहीं, इसलिए उसके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ। और इम्यूनिटी डेवलप ना हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ? थोड़ा सा भी वो माइक्रोब से कॉन्टैक्ट में आएगा, वो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन वही एक गांव का या रूरल एरिया का बच्चा जो हमेशा माइक्रोब से कांटेक्ट में ही रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बॉडी में उस तरीके का इम्यूनिटी डेवलप हो गया है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे हम सारी चीज़ें जानेंगे कि आखिर वो इम्यूनिटी कैसे डेवलप होता है, किसी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में रहने से वो इम्यूनिटी डेवलप होने का क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी के बारे में पहले। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजेन, ठीक है। तो होस्ट की वो क्षमता, वो एबिलिटी जिसके द्वारा वो पैथोजेन से अपने आप को बचाता है, या पैथोजेन के द्वारा डिजीज कॉज होने से अपने आप को बचाता है, तो वो जो एबिलिटी है, वो क्षमता है, वो ताकत है, उसी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। तो यहाँ होस्ट का मतलब क्या हो गया यार?
जैसे बैक्टीरिया आपके बॉडी तक आता है, तो बैक्टीरिया आपके बॉडी से क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है ना, और हमें हार्म्ड कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो जहाँ पर भी दो ऑर्गेनिज्म का ऐसा कम्बिनेशन जहाँ पे दोनों साथ में रह रहे हैं और एक को हार्म्ड हो रहा है और दूसरे को बेनिफिट हो रहा है, तो जिसे हार्म्ड हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट। क्लियर है? तो हमारा बॉडी भी होस्ट हो गया, अगर कोई माइक्रोब्स आकर के हमें इन्फेक्ट कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है हमारा, इस्तेमाल कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमारा बॉडी भी क्या हो गया, होस्ट। तो एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजन, मतलब होस्ट के बॉडी की वो क्षमता जिसके द्वारा वो पैथोजन से अपने आप को बचाता है या पैथोजन से कॉज होने वाले डिजीज से अपने आप को बचाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो इम्यूनिटी है इसके दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं। कितने? दो। तो पहले हम दोनों टाइप्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी का कितना टाइप होगा? दो टाइप होगा, है ना। एक जो टाइप है हमारा वो क्या है, इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, और दूसरा जो हमारा टाइप है वो क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक हो गया इनेट इम्यूनिटी, दूसरा हो गया अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब दोनों का मतलब समझना है, इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या है और अक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है जो हमारे बॉडी में बर्थ से प्रेजेंट है, जन्म से ही प्रेजेंट है ना। जन्म से ही जो प्रेजेंट है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी, और जो जन्म के बाद डेवलप हुआ है ना, डेवलप्स आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद डेवलप हुआ है। डेवलप कैसे होता है वो भी हम जानेंगे, जन्म के बाद डेवलप कैसे होता है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी का मतलब आप समझ रहे हैं जो जन्म से ही है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो जन्म के बाद विकसित हुआ है। अब दोनों को थोड़ा सा समझते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है या एग्जांपल क्या है। जैसे मान लीजिए कि सॉइल है, मिट्टी है, तो आपको पता है कि सॉइल में माइक्रोब्स होते हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोअन्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। अब मान लो कि आप किसी के ऊपर मिट्टी फेंक दो, है ना, या लगातार फेंकते रहो, वो आपके ऊपर फेंके, हम उसके ऊपर फेंके, मिट्टी या फिर मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आता है आपका बॉडी, तो आपको क्या लगता है कि वो मिट्टी से माइक्रोब्स आपके बॉडी के अंदर घुस जाएगा? आप मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या वो माइक्रोब्स डायरेक्ट आपके बॉडी के अंदर घुस जाएगा मिट्टी में? मिट्टी से निकल करके नहीं घुस पाएगा, इंटर नहीं कर पाएगा आपके बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो स्किन है ना, ये स्किन इंटर करने नहीं देगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, वो इन करने नहीं देगा अंदर, है ना। तो स्किन क्या कर रहा है, माइक्रोब्स के एंट्री को रोक रहा है, माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर इन होने नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्किन भी इम्यूनिटी का काम कर रहा है। जब माइक्रोब्स अंदर इन नहीं होंगे इसका मतलब हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, यहाँ पे स्किन रोक रहा है माइक्रोब्स को, माइक्रोब्स के एंट्री को रोक रहा है और हमें एक तरह की इम्यूनिटी दे रहा है। तो स्किन जो हो गया वो किसका एग्जाम्पल हो गया, इनेट इम्यूनिटी। और आपको पता है यार कि स्किन जन्म के समय से ही है, तो ये इनेट इम्यूनिटी डेफिनेटली है। अब देखिए दूसरा चीज क्या है, इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या है, नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब हर तरह के माइक्रोब्स के लिए यह काम करता है, किसी भी तरह का माइक्रोब्स हो वो उसको रोकेगा ही, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, वॉर्म हो, कुछ भी हो, उसको क्या करेगा, रोकेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स के लिए स्किन रूप परिवर्तित कर लेगा, चेंज कर लेगा अपना। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया आया चलो ऐसा ही स्किन ठीक है, वायरस आया तो स्किन का टाइप बदल गया, ऐसा नहीं होता है। हर एक तरह के पैथोजन के लिए जो है ये सेम है, नॉन स्पेसिफिक है, सबको रोकता है ना। तो ये क्या हो गया, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब समझ में आ गया, मतलब ये पार्टिकुलर किसी माइक्रोब्स के लिए नहीं है, सारे माइक्रोब्स के लिए कॉमन है, लेकिन ये क्या होता है, ये अस्पेसिफिक होता है।
ठीक है, क्या होता है ये स्पेसिफिक। तो ये तो आप समझ गए यार कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, या दोनों का मतलब क्या है, पूरा क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे जो इनेट इम्यूनिटी है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये जन्म से ही है, इस तरह के इम्यूनिटी के लिए कुछ बैरियर हैं। बैरियर का मतलब क्या होता है, बैरियर का मतलब होता है रुकावट, है ना। तो कुछ बैरियर के हेल्प से या मदद से ही ये इम्यूनिटी डेवलप होते हैं, ठीक है। तो वो बैरियर क्या हैं जो इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। तो पहला अगर हम बैरियर की बात करें तो ये है फिजिकल बैरियर। क्या है, फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है, फिजिकल बैरियर का मतलब है कि ये माइक्रोब्स के एंट्री को ही रोक देगा, माइक्रोब्स को अंदर इन होने नहीं देगा बॉडी के अंदर, है ना। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ, अभी ही एक एग्जाम्पल दिखाया आपको किसका, स्किन का, है ना। तो स्किन माइक्रोब्स के एंट्री को क्या रोक कर रहा है, रोक रहा है। इसके अलावा भी आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना। तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी क्या करेगा, ये भी माइक्रोब्स के एंट्री को रोकेगा। कैसे रोकेगा, आप इसको समझिए। जैसे कोई माइक्रोब्स आपके बॉडी तक आया तो कोई रास्ता ही नहीं है यार, स्किन उसको रोक लेगा। लेकिन अगर मुंह से अंदर चला गया तो तब क्या होगा, बात समझ में आ रही है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर आप पढ़े होंगे वहाँ पे सेल के बारे में, तो आपने देखा होगा कि जो ट्यूब है उसमें क्या होता है, गॉबलेट सेल होता है, और गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस का सेक्रेशन करता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये ओरल कैविटी है, या इस तरीके से ये मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और यहाँ से कोई चीज़ें को ये इनगल्फ करता है, खाता है, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, एक थिक वाटरी फ्लूइड होता है, डेंस फ्लूइड मेम्ब्रेन। तो माइक्रोब्स अगर अंदर इन करना चाहे, पेट में चला गया तब तो खैर उसका कोई उपाय नहीं यार, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो उसको ऐसे ही डिस्ट्रॉयड कर देगा, ठीक है। अगर इधर अंदर घुसने की कोशिश किया बॉडी से अंदर, तो यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन में ही वो क्या होगा, फंस जाएगा, सही में रहा है। तो जितने भी डक्ट हैं हमारे बॉडी में, मोस्ट ऑफ डक्ट में जो होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन बनता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। और वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगा, वहीं पे फिल्टर कर लेगा उसको, छान लेगा माइक्रोब्स को, वहीं पे रोक लेगा, है ना। वो अंदर बॉडी के इंटरनल ब्लड वेसल्स तक या पार्ट्स तक पहुंच नहीं पाएगा। तो आपने फिजिकल बैरियर में समझा एग्जाम्पल क्या हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स को रोक रहे हैं, उसके एंट्री को ही रोक रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हम अभी इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, क्लियर है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा, फिजियोलॉजी आप समझते हैं फंक्शन से, है ना। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर का पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है, या फिर लाइसोजाइम इन स्लाइवा और टीयर्स, ठीक है। स्लाइवा या टीयर्स में जो लाइसोजाइम है वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल बैरियर का, ठीक है। तो ये जैसे कोई माइक्रोब्स, मान लो कि आपने कोई फ्रूट्स खाया और इसके ऊपर बैक्टीरिया था, आपने धोया नहीं इसको और खा लिया, तो क्या ये कन्फर्म है यार कि आप बीमार पड़ जाओगे, नहीं पड़ भी सकते हो, नहीं भी पड़ सकते हो। अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मोस्ट ऑफ जो माइक्रोब्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉयड करने की कोशिश करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है, और इवन खत्म कर भी देता है, ठीक है। इसके बाद लाइसोजाइम्स जो हैं, ये स्लाइवा में या टीयर्स में, आंसू में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप आँख तो हमेशा खुला रखते हो, देखते रहते हो, अब एयर में इतने सारे माइक्रोब्स हैं, वो आँख के कांटेक्ट में तो आते ही होंगे, ऐसा थोड़े हैं कि कांटेक्ट में नहीं आते होंगे, आते होंगे। तो क्या आपको डेली आँख में इरिटेशन होते रहता है, या फिर बीमार हो जाते हो आप,
आँख से देखने में इशू आती है, हमेशा उसमें प्रॉब्लम्स होता है? नहीं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें जो टीयर्स हैं, उसका जो कंपोजिशन है, उसमें जो लाइसोजाइम्स हैं, वो क्या करता है, वो डिस्ट्रॉयड करता है, वो नष्ट करता है माइक्रोब्स को। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा ये चीज़ें स्लाइवा में भी होती है। आप एक कॉमन, आप देखे होंगे डॉग, कुत्ता को देखे होंगे, अगर उसके बॉडी के किसी पार्ट्स में जख्म होता है ना, तो उसको स्लाइवा से, जीभ से ही चाट चाट कर उसको ठीक कर लेता है। ठीक है, तो वो स्लाइवा से क्या हो रहा है, माइक्रोब्स, जितने माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो माइक्रोब्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये देखा आपने फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं सेल्यूलर बैरियर, सेल्यूलर बैरियर। ठीक है, तो सेल्यूलर बैरियर का मतलब क्या है, किसे कहते हैं सेल्यूलर बैरियर, इसमें क्या होगा? तो इसमें कुछ सेल्स होंगे जो डिजीज कॉज करने वाले पैथोजिन को डिस्ट्रॉयड करेंगे, नष्ट करेंगे। जैसे इसके अंतर्गत आता है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स में क्या होते हैं, आप वाइट ब्लड सेल 11th क्लास में पढ़े होंगे। इसके एग्जाम्पल में जैसे आता है न्यूट्रोफिल्स, क्या आता है, न्यूट्रोफिल्स, या इसमें आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स क्या होता है, मैक्रोफेजेज। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, ये होता है माइक्रोफेज। ठीक है, अब देखो ये न्यूट्रोफिल्स भी, अब माइक्रोफेज या मैक्रोफेज का मतलब क्या होता है, या फिर इसको आप कह सकते हो मैक्रोफेज ये है, ये दोनों ही, दोनों दोनों के दोनों क्या होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स का मतलब समझ रहे, मतलब किसी माइक्रोब्स को इनगल्फ कर लेते हैं, उसको निगल जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं WBC। तो WBC एक सेल होकर ऐसा काम परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेलुलर बैरियर। ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉयड कर देगा यार, ये नष्ट कर देगा डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, समझो इसको, इनेट इम्यूनिटी जो जन्म से ही हमें मिला है, फिजिकल बैरियर में आपने देख लिया किस तरीके से काम करेगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर किस तरीके से काम करेगा, इसका एग्जांपल क्या है आप देख रहे हो, सेल्यूलर बैरियर कुछ सेल्स हैं जो इस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेंगे कि वो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉयड करेंगे। साइटोकाइन बैरियर में क्या है, इसको भी समझो। जैसे मान लो कि आपका सेल किसी वायरस से इन्फेक्टेड है, ठीक है, जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल होता है, वो एक प्रोटीनियस, प्रोटोनिशियस सब्सटेंस रिलीज करता है। वो प्रोटोनिशियस जो सब्सटेंस होते हैं, वो उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली इंटरफेरॉन। क्या कहते हैं उसको, इंटरफेरॉन। वो इंटरफेरॉन दूसरे वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाता है ना। तो यहाँ पे जैसे हमारे बॉडी में वायरल इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, क्या है, वायरल इन्फेक्टेड सेल, तो ये वायरल इन्फेक्टेड सेल क्या रिलीज करेगा, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है, और ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अदर इन्फेक्शन ऑफ अदर वायरसेस। ठीक है, ये दूसरे वायरस के इन्फेक्शन से हमें बचाएगा। तो हमें लगता है कि हम क्लियर कर चुके हैं इनेट इम्यूनिटी के चारों बैरियर के बारे में, समझ चुके हैं आप। फिजिकल बैरियर क्या करेगा, माइक्रोब्स के एंट्री को रोकेगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या करेगा, माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकेगा, यानी कि उसको बढ़ने नहीं देगा, डिस्ट्रॉयड कर देगा उसकी संख्या। सेलुलर बैरियर क्या करेगा, ये भी माइक्रोब्स को नष्ट करेगा। साइटोकाइन बैरियर ये हमें दूसरे वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा, किसके हेल्प से, तो इंटरफेरॉन के हेल्प से। किसके हेल्प से, इंटरफेरॉन के हेल्प से। तो ये आपने देख लिया क्या चीज़, इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है,
अक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जो इम्यूनिटी आपके बॉडी में जन्म के बाद विकसित हुआ, ठीक है, कब विकसित हुआ, जन्म के बाद, है ना। अब कैसे विकसित होता है इसको भी समझना है। ये नेचुरल तरीके से ही विकसित होता है और आर्टिफिशियल तरीके से ही विकसित होता है, ठीक है। नेचुरली कैसे विकसित होता है पहले हम उसको जानेंगे और फिर जानेंगे कि आर्टिफिशियली कैसे विकसित होता है इसको भी समझेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके बॉडी का कोई पार्ट्स इंजर्ड हो जाता है, कट छट जाता है, ठीक है। तो बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड होगा तो माइक्रोब्स तो एटमोस्फेयर में हैं, उस इंजर्ड पार्ट से या कटे छटे हिस्से से माइक्रोब्स डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के कॉन्टैक्ट में या ब्लड के कॉन्टैक्ट में, ऐसा ही होगा ना, पहुँच जाएंगे। ऐसे अगर हमारे स्किन से पहुंचना चाहे तब तो एंट्री का कोई बात ही नहीं है, ओरल कैविटी से पहुंचना चाहे तो मोस्ट ऑफ डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, संभावना कम है। लेकिन अगर कटे हुए पार्ट से पहुंच गए तब तो बॉडी के अंदर चले गए, तब क्या होगा उसके साथ, उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है जिससे ब्लड क्रॉस कर रहा है ना, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है जिसके सेल से, और अगर इंजर्ड हो जाता है, कट छट जाता है तो माइक्रोब्स इसके अंदर पहुंच जाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई बैक्टीरियल सेल है, मैं इसको थोड़ा सा और थिक मोटा दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए बेहतर, ठीक है। तो ये मान लो कि ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और कोई बैक्टीरिया इसमें इंटर कर गया। ये मान लो बैक्टीरियल सेल है जो इसके अंदर पहुंच चुका है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, बैक्टीरियल सेल जब इसके अंदर इन किया तो क्या होगा भाई, ये तो आराम से पहुंच गया, अब अंदर मल्टीप्लीकेशन करेगा, इसको फूड मिलेगा, खाना पीना न्यूट्रिशन सारा मिलता है, ब्लड तो खुद ही इतना न्यूट्रिएंट ढो रहा है, कैरी कर रहा है इसको, है ना। लेकिन देखो होता क्या है, जितने भी सेल होते हैं उस सेल के सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीजेन। क्या कहते हैं, एंटीजेन, समझिए इसको। जितने भी सेल होते हैं हर सेल के सरफेस पर क्या होता है, एंटीजेन होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया भी एक सेल है, इसके सरफेस पर भी क्या होगा, एंटीजेन होता है ना। और एंटीजेन होते क्या हैं, एंटीजेन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, या इसको कह सकते हो कि प्रोटीनेसियस सब्सटेंस, यानी कि मोस्ट ऑफ प्रोटीन है, हर एक सेल में होता है, दुनिया के हर एक सेल के ऊपर इस तरह के होते हैं एंटीजन, ठीक है। तो हमारे बॉडी के जो सेल हैं उसमें भी एंटीजन होंगे, लेकिन हमारा जो एंटीजन होता है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है वे सेल जो इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हैं या फिर जो सेल डैमेज कर रहे हैं माइक्रोब्स को, उसके ऊपर ही एक्ट करते हैं वे सेल, सबके ऊपर एक्ट नहीं करते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन सेल है तो इसके ऊपर भी एंटीजन है, लेकिन उस एंटीजन को वो क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, वो पहचान लेता है कि नहीं ये हमारे बॉडी के सेल का एंटीजन है, इसलिए हमारे सेल को नष्ट नहीं करता है, कोई भी फॉरन बाहर से आया। तो जैसे हमारे अभी यहाँ पे दिखाए थे आपको सेल्युलर बैरियर दिखाए थे, सेल्युलर बैरियर में क्या था, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये क्या करते हैं इसको समझिए, क्योंकि दोनों रिलेटेड है। यहाँ पे ऐसा नहीं समझिए कि मैं न्यूट्रोफिल्स की वहां बात कर रहा हूँ या फिर मैक्रोफेज की बात कर रहा हूँ तो वो क्या हो गया, वो अलग हो गया, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट हो गया, नहीं, हम अभी इसको इनेट इम्यूनिटी के पार्ट को ही रिलेट कर रहे हैं, किससे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट से, क्योंकि दोनों मिलकर ही काम करते हैं साथ में, ठीक है। कैसे करते हैं ये समझिए। तो ये क्या आ गया, बैक्टीरियल सेल यहाँ पे ऐसे पहुंच गया, ठीक है, ये है बैक्टीरियल सेल आ गया ना यहाँ पे। अब ब्लड के अंदर WBC है, आपको पता है ब्लड का कंपोजिशन WBC है, इसमें सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स जो है उसका संख्या मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है ना। तो मान लो यहाँ न्यूट्रोफिल्स है, ऐसे व्हाइट ब्लड सेल में जो सबसे ज्यादा संख्या है वो किसका है, न्यूट्रोफिल्स का। तो ये मान लो क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, इस तरीके से न्यूट्रोफिल्स, ठीक है।
तो न्यूट्रोफिल्स क्या करता है कि वो हर एक जगह पे घूमते चलता है पूरा बॉडी में। देखा यहाँ पे आया, देखा कि इसके ऊपर जो एंटीजन एंटीजन जो है वो सब सेल में क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में उसने एंटीजन को देखा तो उसने कहा कि यार ये तो एंटीजन हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, हमारे बॉडी के सेल का एंटीजन अलग तरह का होता है, इसका एंटीजन अलग है, डिफरेंट है। तो ये क्या करता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है। बात समझ में आ रही है, क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के बाद इसके साथ जुड़ करके इसको डिस्ट्रॉयड करने की कोशिश करता है, इसको नष्ट करने की कोशिश करता है, इसको इनगल्फ करने की कोशिश करता है, खाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया भी कम थोड़े है यार, वो भी मल्टीप्लीकेशन करता है, वो भी टॉक्सिन मल्टीप्लीकेशन तो करता ही है, वो टॉक्सिन भी रिलीज करता है, जहरीले चीजें भी रिलीज करती है ना। तो दोनों के बीच जब इस तरह की लड़ाई होती है तो क्या होता है, बैक्टीरियल सेल भी कुछ नष्ट होता है और कुछ ये न्यूट्रोफिल्स भी नष्ट होते हैं, दोनों ही नष्ट होते हैं, है ना। तो चूंकि ये बहुत छोटा है, न्यूट्रोफिल्स जो है वो बहुत छोटा है सबसे, है ना, और इसके अलावा इसका संख्या तो बहुत है ना। तो बैक्टीरियल सेल एक तो ठीक है, अगर वो टॉक्सिक जहर रिलीज नहीं करता तब तो इजीली बच जाता, लेकिन टॉक्सिक चीजें भी वो क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, इसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स भी नष्ट हो रहे हैं और बैक्टीरियल सेल भी नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता कौन है, इसके बाद आता है मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज जो है वो क्या है, मोनोसाइट्स है, क्या है, मोनोसाइट्स। वो मैक्रोफेज का मतलब वो क्या है, उसका साइज जो है वो थोड़ा लार्ज है, उसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस के केसेस में हम देख रहे हैं, देखिए तो ये मैक्रोफेज जो है वो इजिली इनगल्फ कर गया किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया भी अपनी संख्या को क्या किया है, तब तक बढ़ा चुका है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया आपको पता है कि ये टॉक्सिक चीजें भी रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स तो पूरी तरह से बैक्टीरिया को नष्ट नहीं कर पाया, मैक्रोफेज भी पूरी तरह से, मैक्रोफेजेस भी बैक्टीरिया को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब किसका नंबर आता है, चलो दो मिल करके ठीक है बहुत सारा लड़ाई किया, डिस्ट्रॉयड भी किया, बहुत सारे बैक्टीरिया को नष्ट भी कर दिया, ठीक है। एक और सेल आता है जिसमें बहुत ही लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होता है, इस तरह का सेल होता है ना। और इस सेल को हम क्या कहते हैं, इस सेल को कहते हैं डेंड्रिटिक सेल, ठीक है। इस सेल को क्या कहते हैं, डेंड्रिटिक सेल। ये डेंड्रिटिक सेल क्या करता है इसको भी समझिए, ये डेंड्रिटिक सेल भी कोशिश करता है, पहले आता है 2, 4, 5, 10, 20, 50 बैक्टीरिया को कंज्यूम करता है, खाता है, ठीक है, इनगल्फ करता है, उसको भी डिस्ट्रॉयड करता है, लेकिन इससे भी पूरा डिस्ट्रॉयड नहीं हो पाता, इससे भी नष्ट नहीं हो पाता, जितनी कोशिश करना था वो कर लेता है, ठीक है। इसके साथ लेकिन एक चीज और होती है कि चूंकि ये भी ह्यूमन का सेल है, ये भी ह्यूमन का सेल है, ये भी ह्यूमन, न्यूट्रोफिल्स भी ह्यूमन का सेल है, मैक्रोफेजेस भी ह्यूमन का सेल है, डेंड्रिटिक सेल भी ह्यूमन का सेल है, तो ये सब के ऊपर जो एंटीजन है वो क्या है, ह्यूमन के सेल के एंटीजन है, तो इसके ऊपर आपस में कोई अटैक नहीं होता है ना। तो डेंड्रिटिक सेल क्या करता है कि इसमें जब ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है तो बैक्टीरिया का कुछ एंटीजन इसके सरफेस से जुड़ जाता है, किसके सरफेस से, डेंड्रिटिक सेल के सरफेस से जुड़ जाता है, किसका पार्ट, बैक्टीरियल सेल का पार्ट, सॉरी बैक्टीरियल सेल का एंटीजन किसके साथ जुड़ जाता है, डेंड्रिटिक सेल के साथ जुड़ जाता है। इसके अलावा इसके पास खुद के अपने सेल का भी क्या होता है, एंटीजन होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर कोई अटैक नहीं करता है, या हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व सेल अटैक नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो तो इतना तो समझ में आया कि बैक्टीरिया अगर हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंच गए तो सबसे पहले उसके ऊपर अटैक कौन करेगा, न्यूट्रोफिल, चूंकि वो हर जगह घूमते रहता है, उसके अटैक करने के बाद जब उसे डिस्ट्रॉयड नहीं हो पाएगा बैक्टीरिया तो कौन आएगा, मैक्रोफेजेस आएगा, मैक्रोफेजेस भी नहीं कर पाएगा तो फिर थर्ड नंबर पे आएगा डेंड्रिटिक सेल, डेंड्रिटिक सेल से भी काम नहीं चलेगा तो ये क्या करेगा, ये चला जाएगा डेंड्रिटिक सेल लिम्फ नोड में, कहाँ जाएगा, लिम्फ नोड या स्प्लीन में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये जगह है,
ये जगह क्या है, ये मान लो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड या फिर स्प्लीन में, ठीक है। यहाँ पे कौन आया, डेंड्रेटिक सेल। अब डेंड्रेटिक सेल के बॉडी पे क्या है आपको पता है, बैक्टीरियल सेल का एंटीजन, जब उसको कंज्यूम कर रहा था, खा रहा था, तो इसके एंटीजन इसके बॉडी से जुड़ गए, ठीक है। तो ये मान लो इस तरीके से डेंड्रेटिक सेल का पहचान क्या है, ये इसमें हाईली साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं, जिस टाइप से अमीबा में होते हैं उससे ज़्यादा इसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं। तो इसके सरफेस के ऊपर जुड़ गया क्या चीज़, बैक्टीरियल सेल का एंटीजन। जब यहाँ पे आया तो लिम्फ नोड में क्या है, यहाँ पे दो तरह के सेल हैं, कौन कौन, एक है टी लिम्फोसाइट, क्या है टी लिम्फोसाइट, ठीक है, या इसको और क्या कहते हैं टी सेल, और दूसरा क्या है इसमें बी लिम्फोसाइट, या इसको क्या कहते हैं बी सेल्स, ठीक है। कितने तरह के सेल्स यहाँ पे हैं, दो तरह के, देखिए ये कैसे काम करता है, इतना समझ में आ रहा है ना, क्लियर। अब टी लिम्फोसाइट या टी सेल, या जिसको हम लोग कह रहे हैं बी लिम्फोसाइट या बी सेल, ये करता क्या है, जैसे ही डेंड्रेटिक सेल इसके पास पहुंचता है, डेंड्रेटिक सेल, ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो कि इस तरीके से यहाँ पे एक टी लिम्फोसाइट से, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठा है, सातवां है, बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स है ना। तो यहाँ पे कुछ जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उसमें ये क्षमता होती है कि इस तरह के एंटीजन वाले बैक्टीरिया को वो आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, नष्ट नष्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है ना। तो हमारे लिम्फ नोड में या स्प्लीन में टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट इतने टाइप के होते हैं ना कि वो 2 बिलियन 3 बिलियन इससे ज्यादा तरह के पैथोजन के एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से मान लो कि ये एक टी लिम्फोसाइट है जिसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं ये इस टाइप का बैक्टीरिया है जिसे मैं डिस्ट्रॉयड कर सकता हूँ, ठीक है, नष्ट कर सकता हूँ। तो ये जो है वो चला आता है किसके पास, बी लिम्फोसाइट के पास, किसके पास आता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ जो बी लिम्फोसाइट हैं उसमें ये क्षमता है, ये एबिलिटी है कि वो सब में नहीं, ये बी लिम्फोसाइट जो है ये इसके साथ भी क्या हुआ, ये टी लिम्फोसाइट जिसको लगा कि नहीं मैं इस तरह के एंटीजन कंटेनिंग बैक्टीरिया को क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रॉयड कर सकता हूँ, तो इसके ये भी अपने साथ क्या जोड़ लिया, बैक्टीरिया का एंटीजन, ठीक है। और ये जोड़ करके कहाँ चला गया, बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट को ये बताता है कि देखिए इस तरह का बैक्टीरिया है, आप में से कोई इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं क्या, इसको नष्ट कर सकते हैं क्या, है ना। तो ऐसा इसमें से सब तो नहीं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी थे जिसने कहा कि हाँ मैं इसको डिस्ट्रॉयड कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो है टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट, इसमें जो सेल्स हैं आपको बताया कि ये कई बिलियन टाइप्स के पैथोजन के एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको नष्ट करने के लिए काम कर सकते हैं। तो इसमें टी लिम्फोसाइट्स में से कुछ ऐसे निकले जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब ये पहुंचा बी लिम्फोसाइट के पास, तो बी लिम्फोसाइट्स में से भी कुछ ऐसे निकले जो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मान लो कि ये बी लिम्फोसाइट है और ये आइडेंटिफाई कर सकता है, बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि ये बी लिम्फोसाइट, पहले थोड़ा सा इसके टाइप देख लो, किसके, टी लिम्फोसाइट और टी सेल्स और बी लिम्फोसाइट और बी सेल्स। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इसके तीन टाइप हैं, कितने, तीन, एक क्या है साइटोटॉक्सिन टी सेल, एक टाइप समझ में आया क्या है, साइटोटॉक्सिन टी सेल। दूसरा क्या है, दूसरा है मेमोरी टी सेल, मेमोरी टी सेल, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा है हेल्पर टी सेल। इसको याद रखना है, टी लिम्फोसाइट या टी सेल कितने तरह के हैं, तीन, एक है साइटोटॉक्सिक टी सेल, दूसरा है मेमोरी टी सेल, और तीसरा क्या है हेल्पर टी सेल, ये तीन तरह के हैं ना। तीनों का काम क्या है ये भी हम डिटेल से जानेंगे आगे, तो फिलहाल इतना जानो कि ये कितने तरह का है, तीन तरह का।
इसमें से अगर बी लिम्फोसाइट तक पहुंचा है ये इन्फॉर्मेशन लेकर कि इस तरह का बैक्टीरिया आया है, इसको डिस्ट्रॉयड करना है, तो वो कौन काम करेगा ऐसा? हेल्पर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल का एक काम समझ में आया, ये वैसा टी लिम्फोसाइट है जो बी लिम्फोसाइट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि इस तरह के एंटीजन कंटेनिंग बैक्टीरिया हमारे बॉडी तक पहुंचता है, ठीक है। और इसके तक इन्फॉर्मेशन कौन लेकर के आया था? डेंड्रिटिक सेल। अभी कोरोना वायरस के केसेस में आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की वजह से जो डेंड्रिटिक सेल है वो नष्ट होते हैं, वो डिस्ट्रॉयड होते हैं और इन्फॉर्मेशन को लेकर के नहीं जाते हैं। इसलिए उसका लिमिट जब रिक्वायर्ड हो, जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करना है, हमेशा इस्तेमाल नहीं करना है। उससे बढ़िया है कि आप किसी सोप का इस्तेमाल करें या हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है ना। जब कभी इस्तेमाल करने से नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो डेंड्रिटिक सेल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ये इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करेगा, आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, तो टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का आपने टाइप देख लिया, इसमें हेल्पर टी सेल इंफॉर्मेशन को वहां पहुंचाया। अब देखो बी लिम्फोसाइट के दो सेल टाइप हैं, एक टाइप क्या है इसका, बी लिम्फोसाइट का एक टाइप है प्लाज्मा सेल, क्या है, प्लाज्मा सेल, और दूसरा टाइप है इसका मेमोरी बी सेल्स, ठीक है। एक क्या हो गया प्लाज्मा सेल, दूसरा क्या हो गया मेमोरी बी सेल। तो इस तरह से आपने देखा। अब देखो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचा तो बी लिम्फोसाइट का कुछ सेल जो है वो कहा कि हाँ मैं तो इसको डिस्ट्रॉयड कर सकता हूं, है ना। तो उसमें से जो प्लाज्मा सेल है, ये प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, ये एक मॉलिक्यूल बनाएंगे और उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज, क्या कहते हैं उसको, एंटीबॉडीज। ये वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे वाई शेप का स्ट्रक्चर, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के वाई शेप का स्ट्रक्चर को बनाता कौन है, प्लाज्मा सेल। ये है क्या एक तरह का बी लिम्फोसाइट या बी सेल। और जब ये एंटीबॉडी बन जाते हैं तो एंटीबॉडी क्या होते हैं, ये ब्लड के थ्रू मूव करते हुए कहां पहुंचते हैं, ब्लड कैपिलरीज में, कहां पहुंचते हैं, ब्लड कैपिलरीज। एक बार इसको फिर से समझिए, यहां पे आया था सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, फिर क्या आया मैक्रोफेज आया ना, ये दोनों ने मिलकर के बैक्टीरिया को नष्ट करने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया। इसके बाद कौन आया, डेंड्रिटिक सेल, इसने क्या किया, इसने भी कुछ को नष्ट किया और साथ में ये इंफॉर्मेशन को लेकर के लिम्फ नोड तक चला आया। लिम्फ नोड में क्या था, टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स और बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टी लिम्फोसाइट्स जो है वो समझ गए, वो आइडेंटिफाई कर पाए इस तरह के एंटीजन कंटेनिंग बैक्टीरियल सेल को, और उसने क्या किया, उसने इस इंफॉर्मेशन को बी लिम्फोसाइट तक पहुंचाया और बी लिम्फोसाइट्स में जो प्लाज्मा सेल थे उसने एक मॉलिक्यूल बनाया वाई शेप्ड, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एंटीबॉडी कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है। अब ये एंटीबॉडी कहां पहुंचता है, वो मूव करते हुए ब्लड में पहुंचता है और ब्लड में आकर क्या करता है, इसको समझिए, ठीक है। जैसे इसी का डायग्राम हम यहां पे दिखा रहे हैं कि मान लो इस तरीके से ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स में मान लो कि इस तरीके से बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ठीक है। तो जो एंटीबॉडी आया वो करता क्या है, ये वाई शेप्ड बैक्टीरिया जो एंटीबॉडी है वो सबको क्या करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ देता है, बात समझ में आ रही है, सारे बैक्टीरियल सेल को एक दूसरे के साथ क्या करता है, जोड़ देता है। तो बैक्टीरियल सेल में है क्या, ये मूवमेंट करके भाग भी रहा था ना, तो जब सारे बैक्टीरियल सेल एक साथ जुड़ गए तो ऐसा होने की वजह से इसको जोड़ा कौन, आपको पता है, इसको जोड़ा एंटीबॉडी ने, किसने जोड़ा, एंटीबॉडी ने। तो एंटीबॉडी ने जब इसको जोड़ दिया तो अब जो न्यूट्रोफिल्स है और मैक्रोफेजेस है वो आराम से इसको डिस्ट्रॉयड करेगा, क्योंकि ये भाग नहीं सकता इधर उधर, है ना। तो ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, ये क्या हो गया, मैक्रोफेजेस, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूट्रोफिल्स, समझ में रहे। तो ये दोनों मिल करके इसके ऊपर अटैक करते हैं और दोनों इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉयड करते हैं, नष्ट करते हैं और खत्म कर देते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन ये न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस जो होता है ये शॉर्ट लाइफ्ड होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए जिंदा रहते हैं, ठीक है, मतलब ये
मरते ही रहते हैं, लेकिन इनको स्टिमुलेट्स करते रहता है कौन? हेल्पर टी सेल। कौन? हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल के बारे में यहाँ पे बताए थे ना, वही तो इन्फॉर्मेशन लेकर के गया था बी सेल तक। तो हेल्पर टी सेल क्या करता है, ये दोनों को कुछ केमिकल रिलीज करके दोनों को स्टिमुलेट्स करते रहता है। किसको? न्यूट्रोफिल्स को और मैक्रोफेजेस को, कि आप अपना काम करते रहो, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉयड करते रहो, उसको नष्ट करते रहो। तो दोनों को एक्टिव रखने का काम कौन करता है? हेल्पर टी सेल। इस तरीके से बैक्टीरिया क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो इतना बड़ा सिस्टम हमारे बॉडी में हमेशा काम करते रहता है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसके यहाँ पे टाइप्स बन जाते हैं, दो टाइप्स। इसको समझिए, इस टाइप्स को मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, इसके बाद और आगे बढ़ता हूँ। तो अक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है, यहां पे जो हम देख रहे थे, ठीक है, इसके अगर टाइप्स की बात करें तो ये भी दो तरह का हो जाता है। एक एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं AMIS, मतलब एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। और दूसरा हो जाता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है, ये क्या होगा, CMIS। तो दोनों का मतलब समझिए, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसमें क्या होगा, दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पे एक चीज और मिस्टेक छूट गई है थोड़ा सा, टी लिम्फोसाइट या टी सेल का कितना टाइप आपको बताया था, तीन टाइप। एक साइटोटॉक्सिन टी सेल्स, यही था। दूसरा क्या था, मेमोरी टी सेल। और तीसरा क्या था, हेल्पर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल का काम तो आप जान गए थे, लेकिन बाकी का काम क्या है, साइटोटॉक्सिन टी सेल का या मेमोरी टी सेल का काम क्या है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये ब्लड वेसल्स में जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, ठीक है, ये बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया नॉर्मल सेल में भी इंटर कर गए। जैसे मान लो कि ये नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया क्या कर गए, इन कर गए और इसको भी इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल सेल है किसका, ये ह्यूमन सेल, हमारे बॉडी का सेल है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्या है, इन्फेक्टेड है। और अगर इन्फेक्टेड है तो और दूसरे सेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल को भी क्या होना है, इसको डिस्ट्रॉयड होना है, नष्ट होना है, समझ में आ रहा है। तो ये जो साइटोटॉक्सिन टी सेल होता है, ये क्या करता है, ये इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल को डिस्ट्रॉयड करता है। हालांकि इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल में क्या है, इसमें जो एंटीजन है वो ह्यूमन का ही लगा हुआ है, बात समझ में आ रही है, एंटीजन जो इसके ऊपर है वो ह्यूमन सेल का ही है और ह्यूमन सेल को ही ये डिस्ट्रॉयड कर रहा है। तो ये ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता, नहीं तो ह्यूमन सेल को ही ये डैमेज करने लगेगा, अपने आप में ही ये रिएक्शन काम करने लगेगा, है ना। इसलिए ये जल्दी से इसको इन्फेक्टेड सेल को नष्ट करता है, इसके बाद ये खुद भी खत्म हो जाता है, खुद भी नष्ट हो जाता है। हेल्पर टी सेल भी नष्ट हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी नष्ट हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस भी नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई लॉन्ग टाइम पीरियड तक बचता है तो वो सिर्फ कौन है, मेमोरी टी सेल, ठीक है। बच करके क्या करता है उसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल यहां समझिए, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ये दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी से परफॉर्म होता है, इसको ह्यूमोरल सिस्टम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ह्यूमोरल सिस्टम या ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम का मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ कि एंटीबॉडी के हेल्प से ये सिस्टम काम कर रहा है, यानी कि एंटीबॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉयड कर रहा है किसको, माइक्रोब्स को, ठीक है। तो एंटीबॉडी कैसे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉयड कर रहा है, ये तो आपने पूरा प्रोसेस ही देख लिया। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम का मतलब बस इतना समझिए कि इस तरह के इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी पैथोजेन को डिस्ट्रॉयड कर रहा है, नष्ट कर रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिए सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसमें क्या होगा, इसमें सेल डिस्ट्रॉयड करेगा किसको, पैथोजेन को, ठीक है। तो सेल जब पैथोजेन को डिस्ट्रॉयड करेगा तो इसमें कौन सा सेल डिस्ट्रॉयड करेगा भाई पैथोजेन को, तो यहां पे देखिए टी सेल्स में साइटोटॉक्सिन टी सेल दिख रहा है आपको, साइटोटॉक्सिन टी सेल क्या कर रहा है, जो पैथोजन से इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल है उसको नष्ट कर रहा है, उसको इनगल्फ कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये किसके द्वारा हो रहा है, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ये टी लिम्फोसाइट कर रहा है, कौन कर रहा है, टी लिम्फोसाइट, किसके हेल्प से हो रहा है, टी लिम्फोसाइट, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड सेल को भी खत्म कर रहा है तो वो माइक्रोब्स को भी तो खत्म कर रहा है यार। एक सेल के अंदर मान लो कि 1000 बैक्टीरिया बन गया तो 1000 नए सेल को फिर से इन्फेक्ट करेगा और डैमेज करेगा, तो इन्फेक्टेड सेल को भी अगर डैमेज कर रहा है तो ये भी बहुत सही बात है, ये भी इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, इम्यूनिटी ही डेवलप कर रहा है। तो ये हो किसकी वजह से रहा है, टी लिम्फोसाइट। तो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व कौन होगा, टी लिम्फोसाइट, और इसमें क्या है, एंटीबॉडी है ना, तो एंटीबॉडी को बना कौन रहा है, बी लिम्फोसाइट में कौन, प्लाज्मा सेल, तो ये इसको कौन करेगा कंट्रोल, इसको करेगा बी लिम्फोसाइट या बी लिम्फो सॉरी बी सेल्स, ठीक है, बी सेल्स में भी कौन, प्लाज्मा सेल्स। क्लियर है। तो ये आपने दोनों का मतलब समझा, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, और दूसरा सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसमें कौन इन्वॉल्व है, टी लिम्फोसाइट, इसमें कौन इन्वॉल्व है, बी लिम्फोसाइट। अब देखो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, ये डेवलप होने का कारण क्या है, तो एक तो देखा अगर बॉडी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आया, बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आया, ठीक है, तो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने की वजह से इतने सारे एंटीबॉडी बन गए और इस तरह का इम्यूनिटी डेवलप हो गया। अगर बैक्टीरिया कांटेक्ट में नहीं आता तब भी ऐसा होता क्या, नहीं। तो जब ये पूरा बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया तो एक जो मेमोरी टी सेल है और दूसरा जो बीटा सेल्स में एक मेमोरी बीटा सेल्स भी था या मेमोरी बीटा लिम्फोसाइट, समझ में आ रहा है, वो दोनों जो मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल है, इसको समझना है, मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल दोनों दिख रहा है ना, ये दोनों का काम क्या हुआ, ये दोनों लॉन्ग लाइव्ड होते हैं, लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। जैसे मान लो कि ये बैक्टीरिया आया, इन्फेक्शन किया, अब अगर 6 महीना बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद फिर से वही बैक्टीरिया अटैक किया तो इतना ज्यादा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, ये मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल तुरंत पहचान लेंगे कि अरे ये तो पहले भी आया था, सेम उसी टाइप का एंटीबॉडी बनना डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, डायरेक्ट शुरू हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो मेमोरी बी सेल या मेमोरी टी सेल का काम क्या है, ये उसको याद रखते हैं, स्मरण रखते हैं कि इस तरह के एंटीजन कंटेनिंग कोई इन्फेक्शन पहले हुआ था, कोई बैक्टीरिया पहले आया था, ये काम किसका है, मेमोरी टी सेल का। साइटोटॉक्सिन टी सेल का काम बता ही दिया कि पैथोजन इन्फेक्टेड जो ह्यूमन सेल है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, हेल्पर टी सेल का काम आपने देख ही लिया है ना। तो ये हो गया आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, या जिसको ह्यूमरल इम्यून सिस्टम कह रहे हैं, और दूसरा सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसको हम लोग CMIS भी शॉर्ट में कह सकते हैं, ठीक है। अब एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है इसके टाइप्स को अगर हम बात करें तो ये दो तरह का है, एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव, है ना। तो इसको हम इरेज करते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है और पैसिव इम्यूनिटी है। और दूसरा क्या है,
ध्यान दीजिए, ये इम्यूनिटी कॉज होने का मेन रीजन क्या था? हम सेल्यूलर बैरियर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडी की वजह से जो इम्यूनिटी कॉज हुआ। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी दोनों ही इम्यूनिटी में इन्वॉल्व कौन है? एंटीबॉडी, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा? एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का निर्माण हमारा बॉडी करेगा, ठीक है। एंटीबॉडीज विल बी सिंथेसाइज्ड बाई आवर बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाएगा, किसमें? एक्टिव इम्यूनिटी में। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा? रेडीमेड एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो दोनों में पहला फर्क समझ में आ रहा है। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा? एंटीबॉडी हमारा बॉडी बनाएगा, जैसे पैथोजन के कांटेक्ट में बॉडी आया तो बॉडी क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा खुद से। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा? रेडीमेड यानी कि बना बनाया एंटीबॉडी को बॉडी में इंट्रोड्यूस्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसके भी दो टाइप हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल, ठीक है। इसके भी दो टाइप हैं पैसिव इम्यूनिटी के, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। दोनों को समझिए कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में तो आपको समझ में आ रहा है कि खुद से बनाएगा अपना बॉडी, खुद से एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है, नेचुरली। जैसे मान लीजिए कि आपको इन्फेक्शन होता है स्मॉल पॉक्स का, किसका? स्मॉल पॉक्स एक वायरस का इन्फेक्शन है। अगर ये इन्फेक्शन होता है तो आपका बॉडी क्या करता है? खुद से एंटीबॉडी बना लेता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरह के केसेस में क्या होता है जनरली, कि जब एक बार आपका बॉडी एंटीबॉडी बना लेता है तो दूसरा बार वो डिजीज कॉज नहीं होता है इजिली, समझ में आ रहा है। स्मॉल पॉक्स के केसेस में तो जनरल है भाई, एक बार कॉज होता है तो दोबारा नहीं होता, क्योंकि इसके लिए जो एंटीबॉडी बनते हैं वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक काम करते हैं। अगर वो एंटीबॉडी काम नहीं भी कर रहे हैं तो जो मेमोरी टी सेल है, बी सेल है, वो अगली बार आपके बॉडी को बचा लेगा, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ, आपके बॉडी ने क्या किया? इसके लिए एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, खुद से हुआ ना। लेकिन वही अगर हम बीसीजी का वैक्सीन लेते हैं या किसी भी चीज का वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, तो वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन उसी माइक्रोब से बनते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन ये डेड होता है, मरा हुआ होता है, हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता। इसमें सिर्फ एंटीजन होते हैं, मरा हुआ, समझ में आ रहा है, पूरा माइक्रोब्स नहीं होता है। तो इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारा बॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी बना लेता है, तैयार कर लिया हमारा बॉडी एंटीबॉडी। अब जब माइक्रोब्स आएगा तो एंटीबॉडी डायरेक्ट उसके ऊपर हमला करेगा और उसको क्या करेगा? खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, है ना। तो एक तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी कैसे डेवलप हुआ? नेचुरली खुद से स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ, हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना लिया, एक तरीका हुआ। लेकिन हमारा बॉडी ही बना रहा है इसलिए ये एक्टिव इम्यूनिटी है। दूसरे केसेस में क्या देख रहे हैं? आर्टिफिशियल। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें बीसीजी का वैक्सीन हमने लिया या किसी भी वायरस का या बैक्टीरिया का वैक्सीन हमने लिया, तो वैक्सीन के अगेंस्ट हमारे बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया, तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना रहा है, तब तो ये एक्टिव इम्यूनिटी हो गया। लेकिन इसमें आर्टिफिशियल मेथड हमने अप्लाई किया, बाहर से हमने वैक्सीन दिया तब ये बनाया, तो ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल हो गया। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब जब हमारा बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाए, ठीक है। अगर ये नेचुरली हो खुद से तो ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो गया, अगर हमारे द्वारा वैक्सीनेशन किया गया उसके बाद एंटीबॉडी बने तो ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हो गया, ठीक है। अब पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो गया? पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडी को बॉडी में पहुंचाया जाएगा। अब इसमें भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। अब देखिए, जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े थे तो आपको बताया था
जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद जो डार्क एनोइस मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं उसको? कोलोस्ट्रम। और उसमें बताया था कि इजी डाइजेस्टेबल प्रोटीन होता है और एंटीबॉडी होता है। तो वो बच्चे को जो एंटीबॉडी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? रेडीमेड मिल रहा है, बना बनाया मिल रहा है ना माँ के शरीर से। लेकिन तो वो हो गया पैसिव, अब नेचुरली मिल रहा है, नेचुरल एंटीबॉडी, तो वो नेचुरल पैसिविटी हो गया है ना। तो फ्रॉम मदर टू बेबी इन द फॉर्म ऑफ कोलोस्ट्रम है ना। कोलोस्ट्रम के रूप में जो एंटीबॉडी मिल रहा है वो माँ से बच्चे को मिल रहा है, नेचुरल है। अब आर्टिफिशियल में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि टेटनस के लिए हम एंटी टेटनस सीरम लेते हैं, एंटी टेटनस सीरम, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपके बॉडी को एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एंटी टेटनस सीरम होता है इसको हॉर्स के बॉडी में बनाया जाता है। अब हॉर्स के बॉडी में क्यों बनाया जाता है? देखिए, हॉर्स में जो लोहे का नाल ठोकवाया जाता है, तो आयरन जो है वो बहुत बड़ा वजह है टेटनस के इन्फेक्शन के लिए। तो हॉर्स में टेटनस का इन्फेक्शन होते रहता है लेकिन वो सर्वाइव करता है, वो तब भी जिंदा रहता है हॉर्स। इसका मतलब यह है कि टेटनस के लिए उसके बॉडी में बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनता है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनता है, समझ में आ रहा है। तो हॉर्स के बॉडी से ही हम एंटीबॉडी को निकाल लेते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम टेट सॉरी क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई जो बैक्टीरिया है उसी की वजह से टेटनस कॉज होता है ना। तो उस बैक्टीरिया के वजह से जो एंटीबॉडी उसमें बनता है उसके अगेंस्ट, उस एंटीबॉडी को निकाल लेते हैं और हम अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो एंटी टेटनस सीरम क्या है? वो रेडीमेड एंटीबॉडी है जो हम बाहर से पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हो गया, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपने टोटल इम्यूनिटी को समझा कि किस तरीके से हमारा बॉडी डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन से फाइट करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्टेड रखता है।